खुद के बारे में ज्यादा बात करना भी खुद को छुपाने का एक तरीका हो सकता है। जब हम थके होते हैं तो हम पर उन विचारों का आक्रमण होता है जिन पर हमने बहुत पहले विजय प्राप्त कर ली थी। वास्तविक दुनिया काल्पनिक से बहुत छोटी है। जिसके पास जीने का कारण है वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। विश्वास यह जानने की इच्छा नहीं है कि सच्चाई क्या है। हमारे सबसे बड़े अनुभव हमारे सबसे शांत क्षण होते हैं। जीवन से सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा आनंद लेने का रहस्य खतरनाक तरीके से जीना है। अकेलेपन में अकेला अपने को ही खा जाता है। भीड़ में बहुत से लोग उसे खा जाते हैं। अब चुनो। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूट जाए। पृथ्वी की एक त्वचा है और उस त्वचा में रोग हैं। इसका एक रोग मनुष्य कहलाता है। कोई शाश्वत तथ्य नहीं है क्योंकि कोई पूर्ण सत्य नहीं है। मनुष्य सबसे क्रूर प्राणी है। करने वाला ही सीखता है। एक विचार यहां तक कि एक संभावना हमें चकनाचूर कर सकती है और बदल सकती है। हम प्रकृति के बीच रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह हमारे बारे में कोई राय नहीं रखता है। ज्ञानी को न केवल अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए बल्कि अपने मित्रों से भी घृणा करनी चाहिए। आशा वास्तव में सभी बुराइयों में सबसे बुरी है क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ा को लंबा खींचती है। समाज भेड़िए को कुत्ता बना देता है और मनुष्य सबसे पालतू जानवर है। अपना लक्ष्य खोकर आप अपना रास्ता खो चुके हैं। हर गहरा विचारक गलत समझे जाने से ज्यादा समझे जाने से डरता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जानना चाहते हैं और दूसरे जो विश्वास करना चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है? आपको वो व्यक्ति बन जाना चाहिए जो आप हैं। केवल मजबूत व्यक्तित्व ही इतिहास को सहन कर सकते हैं, कमजोर लोग इससे बुझ जाते हैं। जीवन वह है जिसे बार बार खुद पर काबू पाना है। दूरदर्शी स्वयं से झूठ बोलता है, झूठा केवल दूसरों से। मैं इच्छा शक्ति की शक्ति का आकलन इस बात से करता हूं कि वह कितना प्रतिरोध दर्द यातना सहती है और जानती है कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। वह जो एकांत में प्रसन्न होता है वह या तो जंगली जानवर है या देवता है। हम जीवन से प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के आदी हैं। यह प्यार की कमी नहीं है बल्कि दोस्ती की कमी है जो दुखी विवाह बनाती है। स्वतंत्रता के लिए कुछ ही बनते हैं, यह बलवानों का सौभाग्य है। जब आप ऊंचा होना चाहते हैं तो आप ऊपर देखते हैं और मैं नीचे देखता हूं क्योंकि मैं ऊंचा हूं। कई चीजों को आधा जानने से बेहतर है कि कुछ भी न जाने। भविष्य वर्तमान को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि अतीत। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है लेकिन पागलपन में हमेशा कोई कारण होता है। जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं वो खुद ही राक्षस ना बन जाए। और अगर आप लंबे समय तक खाई को घूरते हैं तो खाई भी आपको घूरने लगेगी।
वो सांप जो अपना केंचुल नहीं छोड़ सकता उसे मरना होता है। उसी तरह जो माइंड अपने ओपिनियंस नहीं बदल सकते वे माइंड नहीं रह जाते। जो प्रेमवश किया जाता है वो हमेशा अच्छे बुरे से परे होता है। हमेशा की तरह आज भी लोग दो ग्रुप्स में होते हैं, गुलाम और आजाद मनुष्य। जिस किसी के पास भी दिन का दो तिहाई हिस्सा खुद के लिए नहीं है वो गुलाम है, चाहे वो जो भी हो, एक राजनेता, एक बिजनेसमैन, एक अधिकारी या एक विद्वान। दुनिया में मनुष्य को उसकी नाराजगी के जुनून से अधिक और कुछ भी नष्ट नहीं करता है। प्यार अंधा होता है, दोस्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसका काम बोलने लगे तो लेखक को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सभी चीजें व्याख्या के अधीन हैं। किसी समय कौन सी व्याख्या मान्य होती है ये शक्ति पर आधारित होता है, सत्य पर नहीं। जितना ऊंचा हम उड़ते हैं उतना ही ना उड़ पाने वालों को छोटे लगते हैं।